आपने अक्सर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हर मुद्दे पर टकराव देखा होगा, लेकिन अब एक नया सियासी नजारा देख लीजिए, आपको हैरानी होगी। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसका समर्थन करते हुए ताली बजा रहे थे। ये तस्वीरें देख के आपको हैरानी होगी। ये मुद्दा था शिमला के एक इलाके में अवैध मस्जिद के निर्माण का, ये मुद्दा था लव जिहाद का, ये मुद्दा था डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव का। भरे सदन में हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री, वरिष्ठ मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला के एक इलाके में अवैध तरीके से चार मंजिला मस्जिद बन गई है, उसे तोड़ा क्यों नहीं गया। हालांकि 2010 में जब इस मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन 2012 में कांग्रेस आ गई, शिकायत भी हुई, लेकिन अवैध निर्माण 2019 तक चलता रहा। तब हिमाचल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन गई थी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी देखकर ओवेसी AIMM बेचैन हो गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि हिमाचल में कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रखी है राहुल गांधी ने। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि लव जिहाद और आबादी के असंतुलन के मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है, क्या वो अब कांग्रेस की भी समझ आने लगे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, मस्जिद पर बवाल, लेकिन हैरानी की बात यह है कांग्रेस के ही है सवाल। शिमला के पास संजौली में बन रही इस मस्जिद को लेकर सड़क से सदन तक बवाल मचा है। आरोप है कि नियम कानून ताक पर रखकर मस्जिद बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। अगर दो दिन में सरकार निर्णय करती है इसको हटाने का तो ठीक, अन्यथा हिंदू समाज अपना रास्ता स्वयं तय करेगा। स्थानीय हिमाचल का मुसलमान है, उनसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा और इस मुद्दे को उठाया वहां की कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने। मुद्दा सिर्फ मस्जिद तक नहीं रुका, बात रोहिंग्या और लव जिहाद तक पहुंच गई। 2019 में सर चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक चार मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? तो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर। रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। इस मुद्दे पर विधानसभा में एक दिलचस्प नजारा भी दिखा। हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहने वाली कांग्रेस और बीजेपी के सुर एक थे। सदन में अनिरुद्ध सिंह के समर्थन में बीजेपी ताली बजा रही थी, जिस पर ओवैसी भड़क गए और पूछने लगे, क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान में बोल रहा है। यह मामला नगर निगम शिमला के संज्ञान में वर्ष 2010 में आया था कि पुरानी मस्जिद को तोड़कर ग्राउंड फ्लोर का पुनः निर्माण बिना किसी पूर्ण स्वीकृति द्वारा प्रदान किया गया था। अगर ये निर्माण साबित हो गया कि अवैध है तो इसको डिमोलिश करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही में विलंब नहीं होना चाहिए, लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। हिमाचल सरकार की आर्थिक बदहाली और सैलरी पेंशन अटकने के बाद नई चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग खुले तौर पर इस मस्जिद का विरोध कर रहा है और ओवैसी इस मामले को मोहब्बत की दुकान तक लेकर पहुंच गए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मस्जिद पर बवाल, कांग्रेस का सवाल। ये मामला बहुत बड़ा है और ये मामला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, ये मामला है कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी का भी। अवैध मस्जिद से घुसपैठ तक कांग्रेस के सवाल का विश्लेषण, मस्जिद पर बवाल। 2010 में बीजेपी की सरकार के दौरान बिना परमिशन मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। 2012 में कांग्रेस की सरकार आ गई
2012 में कांग्रेस शासन के दौरान शिकायत हुई, लेकिन अवैध निर्माण 2019 तक जारी रहा। शिमला में 2.5 मंजिल से ऊपर इमारत का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन मस्जिद की 4 मंजिलें कैसे तैयार हो गई, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो जमीन का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश की सरकार का है, यानी हिमाचल की जनता का है। बर्ताव में आगे आबादी पर कांग्रेस के मंत्री का बयान क्या है। रोज नए जमात वाले आ रहे हैं जिनका अता पता नहीं है, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है, ये कांग्रेस का मंत्री कह रहा है। कांग्रेस का मंत्री हिमाचल के अंदर लव जिहाद पर क्या बोले हैं जनाब, सुनिए। लव जिहाद पर भी ध्यान देना आवश्यक है, प्रदेश और देश के लिए यह खतरनाक है, यह भी बोले हैं। यानी लव जिहाद भी एक मुद्दा है। बर्ताव में आगे बड़ा सवाल आज का क्या है, बड़ा सवाल आज का यह है, लव जिहाद आबादी में बदलाव के जो मुद्दे बीजेपी लगातार उठाती थी वो अब कांग्रेस को भी समझ आने लगे हैं। आज का बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई देश की यह मूल समस्या है और हिमाचल जो कि अधिकांश हिंदू बहुल इलाका है वहां पर भी यह समस्या खड़ी होती हुई दिख रही है, तो सोचिए आसाम के बॉर्डर एरिया में, झारखंड के बॉर्डर एरिया में, बंगाल के बॉर्डर एरिया में यह तकलीफ कितनी बड़ी होगी, बिहार के बॉर्डर एरिया में यह तकलीफ कितनी बड़ी होगी। यह बड़ी समस्या है, मैं बार बार कह रहा हूं कि डेमोग्राफिक बदलाव भारत के लिए बड़ी समस्या है और इस देश के कई हाईकोर्ट भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। अजय आलोक मेरे साथ हैं, मेरे साथ सुबूही खान है इस चर्चा में, मेरे साथ फराज किदवई हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज हैं AIMM के नेता प्रवक्ता, मेरे साथ इस चर्चा में तहसीन पूनावाला है राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, उनका स्वागत है। फराज किदवई, इस चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर लेता हूं, आप तैयार हैं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए? जी अमीर जी पूछिए। जी फराज किदवई, मेरा प्रश्न यह है कि बीजेपी जो मुद्दे उठाती थी, यानी लव जिहाद आबादी में बदलाव, वो मुद्दे वाजिब है, आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने विधानसभा में इसको साबित किया है हिमाचल की। देखिए अमीर जी, थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दीजिएगा, लेकिन आप प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको समय दे दूंगा। मैं बिल्कुल दे दूंगा। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो बिल्कुल मैं आपको दूंगा। कांग्रेस की जो इंटरनल वो है उस पर आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस बेहतर जवाब दे सकता है, लेकिन मैं एक विश्लेषण जरूर कर दूंगा अमीर जी। जहां तक रही बात विश्लेषण करने के लिए, मेरे पास बाकी लोग हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी सहयोगी पार्टी जिसके साथ आपने उत्तर प्रदेश में अलायंस करा, जिसके साथ आपने मध्य प्रदेश में अलायंस करा, पूरे देश में अलायंस करा, वो सहयोगी पार्टी भरी विधानसभा में कह रही है कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, वो देश के लिए भी खतरनाक है, डेमोग्राफिक चेंज एग्जिस्ट कर रहा है, बताइए क्या बोलते हैं आप? और एक मस्जिद बन गई जी। अमीश जी, राहुल जी का क्या कोई स्टेटमेंट आया? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के क्या किसी स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आया? उनके मंत्री का स्टेटमेंट आया? जो लोग अधिकृत हैं स्टेटमेंट देने के लिए, अमीश जी, जो लोग अधिकृत हैं स्टेटमेंट देने के लिए, उनमें से अभी तक किसी का स्टेटमेंट नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए इस नहीं तो को क्या हिमाचल के मंत्री की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है? प्रवक्ता की एक ज्यादा हैसियत है और हिमाचल के मंत्री की हैसियत नहीं है जो भरी विधानसभा में कह रहा है? एक एक नहीं, दो दो मंत्री कह रहे हैं। पार्टी अमीश जी, पार्टी का पक्ष रखने के लिए या तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या उनके जनरल सेक्रेटरीज होंगे या स्पोक्स पर्सन होंगे। अब उनका एक मंत्री क्या बोल रहा है, वैसे उनके दूसरे मंत्री तेलंगाना में कुछ बोलेंगे, तो हर चीज का जवाब देने के लिए अमीश जी मैं नहीं बैठा हूं। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख सकता हूं। समाजवादी पार्टी का यह पक्ष है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को देखिए अभी एक्सपोज करता हूं। अमीश जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में बनी है तब से इनके पास बताने के लिए तो कुछ है नहीं। तो कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी शिमला की ये जो मस्जिद है इसके नाम पर, कभी क्या नाम है वो खाने पीने की चीज़ों पर नाम लिखने के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम के बंटवारा करने की पूरी कोशिश हमेशा से किया करते हैं। लेकिन अमीश जी, एक बड़ा अच्छा शेर है, उससे मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी कभी तो उनका भी हिसाब होगा, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रह गई तो जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम भी खराब होगा। बहुत अच्छा शेर है, मौसम पूरा खराब करने में
एक शेर मुझे भी ध्यान में आ रहा है, एक शेर, एक शेर मुझे भी ध्यान में आ रहा है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा, ये आप बोल रहे हैं काफिला क्यों लुटा, सरकार है वह हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पॉइंट नंबर वन। एग्जैक्टली, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का ही मंत्री है और वही मंत्री सवाल खड़े कर रहा है, इसलिए प्रश्न ये बता रहा हूं। ये हिंदू मुसलमान अगर कोई कर रहा है तो फिर वो हिमाचल की जनता पे दोषारोपण है, हिमाचल की सरकार पे दोषारोपण है, इसमें बीजेपी का क्या मामला है? सदन में तो कांग्रेस का मंत्री था ना? हिमाचल की सरकार, देखिए देखिए, जिस मस्जिद के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं अमीर जी, उस मस्जिद की तो तामीर हुई भारतीय जनता पार्टी के राज में। और एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूं कि इनके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, जिस दिन वो एक बयान देते हैं किसका, लैंड जिहाद का, उसके ठीक एक हफ्ते बाद उत्तराखंड में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक सर्वे होता है जिसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं। इस सर्वे के हिसाब से गढ़वाल रीजन के चार प्रोमिनेंट सर्किल्स में, जिसमें गढ़वाल सर्किल, भागीरथी सर्किल, शिवालिक सर्किल और यमुना सर्किल है। पे बात करूंगा तो मैं उत्तराखंड के सीएम को भी बुला लूंगा और आपको भी बुला लूंगा, तो चर्चा इसके ऊपर कर लेंगे और बीजेपी के मीडिया चीफ अजय बलूनी को भी बुला लूंगा, तो हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन विषय ये नहीं है मेरा, मित्र डॉक्टर अजय आलोक है, मैं अजय आलोक है, उनका मुझे रुख करना है। डॉक्टर अजय आलोक, ये सब कुछ आप करा रहे हैं भाई, आप हैं सबके पीछे। अमीर जी, इन्होंने एक शेर कहा था, मैं भी एक शेर कहता हूं। जी जी, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा घर तो थोड़ी है। exactly, आज जो सोच लीजिएगा बुलडोजर चलाने से पहले, पटल पे कहा, अरे एक मिनट बीच में मत बोलिए, सुनिए। आज जो अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के पटल पे कहा, यह चीज हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं, 10 नहीं 20 साल से कह रहे हैं, धीरे 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 ध्यान आ रहा है, क्योंकि आग की जद में अब खुद कांग्रेसी भी आ रहे हैं। जब वो कहते हैं कि 190 से 1900 कैसे हो गए, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री बगल में बैठा हुआ है और सदन में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आप ये सोचिए कि ये आग अब कांग्रेसियों तक पहुंच रही है और वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले को मानने को तैयार नहीं है कि हम मुसलमानों पर आंख मूंद के कोई भी काम करते रहे, क्योंकि हिमाचल की जनता को उनको जवाब देना है। और ये बात हिमाचल की नहीं है, ये बात अन्य प्रदेशों की भी है। वो जब कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, हमारी माँ बेटियां सुरक्षित नहीं है, निकलती हैं तो पत्तियां कसी जाती हैं, ये वो सदन के पटल पे कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री बगल में बैठा है, चुपचाप सुन रहा है गंभीरता से। आपके बीच में नहीं बोले अजय आलोक को एक मिनट तो मिलेगा बोलने के लिए। जब राजनीति अपने को खाने लगे, अपने ही आग बन के जला, खुद को जलाने लगे, तो उस आग की तपिश महसूस होती है। और ये शिमला में उन कांग्रेसियों को ये तपिश महसूस हो रही है, देश में बाकी लोग भी महसूस कर रहे हैं, बंगाल पूरा पश्चिम बंगाल महसूस कर रहा है, केरला महसूस कर रहा है, क्या होती है तपिश। घाटी ने आज से 30 साल पहले 1989 में मजबूर कर लिया, जब पूरे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, एक आवाज़ नहीं निकली थी। जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं वो तो कंप्लीटली अवैध है। अब नया इस पे एंगल सुनिए, पहले नगर निगम और स्थानीय मस्जिद प्रशासन इस केस को लड़ रहा था, 2017 से वक्फ बोर्ड आ गया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई, जिस पे मर्जी किया लगा दिया मोहर, बन गई वक्फ बोर्ड की जमीन। इस देश का कानून तो ऐसा ही है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन बन गई और अब वक्फ बोर्ड उस केस को लड़ने लगा, ठीक है। और जिस शिमला में भी आप कह रहे थे कि 3 मंजिल से 2.5 मंजिल से ऊपर बनने की इजाजत नहीं है, वहां 4 मंजिला मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। नहीं, वो ये भी 190 लोग रजिस्टर्ड थे, उसके बनाए गए 1800, उसके बाद एक हिंदू लड़के को मारा गया, 1800 आधार कार्ड किसने बना के दिए या किसके बनाए गए? ये मस्जिद का मामला नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का जो जुड़ा हुआ मामला है, जो कि अनिरुद्ध सिंह कह रहे थे। ये 1800 अवैध घुसपैठिए कौन है जिनका आधार कार्ड बन गया, और ऐसे ऐसे अवैध घुसपैठियों के पॉकेट कितनी जगह हैं? क्या ये सिर्फ शिमला में है? देश का कोई प्रांत बचा है जहां ये अवैध घुसपैठिए नहीं है? जिस नेशनल कैपिटल में आप बैठे हुए एनसीआर में, वहां सबसे बड़े पॉकेट्स हैं। ठीक है, मैं तहसील पूनावाला का रुख करता हूं। तहसील पूनावाला, मतलब आज कर्नाटक में कांग्रेस के
नेता की बेटी का निर्दयता से मर्डर हो, बीजेपी उसके साथ खड़ी हो। आज अनिरुद्ध सिंह जो बयान दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता उनके साथ नहीं खड़ा है और साथ ही साथ आपके अलायंस पार्टनर भी नहीं खड़े हैं। इतनी बेचारगी, अब तो मानेंगे ना, आप खुद सवाल खड़ा करते थे ये लव जिहाद क्यों, लव जिहाद क्यों। मेरे कार्यक्रमों में आपने तहसीन जी इस बात को बोला, ये लव जिहाद कैसे आ गया, डेमोग्राफिक बदलाव कैसे आ गया, ये सब बीजेपी नफरत फैला रही है। लेकिन ये नफरत कौन फैला रहा है? ये नफरत तो ये जो फैक्ट है, ये कांग्रेस के एक मंत्री ने बोले हिमाचल की विधानसभा में। बताइए अब क्या बचता है बचाने को। थैंक यू अमित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, और क्योंकि आप इस मंत्री की सारी बातों को इतनी गंभीरता से देखते, थोड़ा उनके स्टेटमेंट्स पढ़ दीजिए, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में क्या बोला, उनको भी गंभीरता से ले लेते। सिलेक्टिवली हम ले गए, पर कोई बात नहीं, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं भारत के अंदर और हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, तो इसके पहले किसकी सरकार थी हिमाचल में? ये तो कल तो आए नहीं, परसों तो आए नहीं, ये तो आए इनको 5-6 साल हो गए। दूसरी बात, 10 साल से बॉर्डर किसके कंट्रोल में था? अगर अमित शाह जी और मोदी जी के होने के बावजूद अगर घुसपैठिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए, तो बिल्कुल सही जायज सवाल है, कीजिए ना उनसे सवाल, बोलिए उनके पद छोड़ दीजिए। फिर आते इनके आईडी पर, आईडी इनका कौन सा बनता है? रेफ्यूजी कार्ड, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स रेफ्यूजी कार्ड बनता है, कोई और आईडी नहीं बनती है जो रोहिंग्या की। इसको कौन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि इनकी आईडीज बनी और ये केंद्र सरकार के तहत आता है? ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है ही नहीं बनाना, बनाती भी केंद्र की सरकार। उसे तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के लाते ये क्या साबित नहीं, तो तहसीनपुरा वाला क्या क्या अनिरुद्ध सिंह मंत्री भी, एक सेकंड तहसीन मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, क्या अनिरुद्ध सिंह मंत्री भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं अनिरुद्ध सिंह मंत्री? उल्टा मस्जिद के सामने भजन कीर्तन हो रहा है। वो बिल्कुल सही कह रहे, वो कह रहे कोई भी अगर इलीगल स्ट्रक्चर हो कानून के तहत, कोई भी नहीं, मस्जिद को इल्लीगल कह रहे हैं वो, और कोई भी स्ट्रक्चर को नहीं, मस्जिद को इल्लीगल कह रहे हैं। आपने उनका पूरा बयान सुना, कोई भी स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मस्जिद, मस्जिद मंदिर, पर मस्जिद ही इल्लीगल है ना अभी तो, वहां पर अभी तो मस्जिद को इल्लीगल की बात हो रही है, लव जिहाद की बात हो रही है, आप तो नाम लेते हुए भी घबरा रहे हैं। कमार के सेकुलर हैं आप लोग। मैं तो कह रहा हूँ मंदिर मस्जिद घर दुकान, मंदिर होता तो मंदिर का नाम लेते, गुरुद्वारा होता तो गुरुद्वारा का नाम लेते, गिरजा घर होता तो गिरजा घर का नाम लेते, मस्जिद है तो मस्जिद का नाम लीजिए। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मस्जिद हो, कोई और प्रार्थना का स्थान हो, घर हो, दुकान हो, कोई और बिजनेस हो, कुछ भी इलीगल हो, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो कांग्रेस की सरकार कर रही है। अच्छा अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार, वो तो ये भी कह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान कैसे आ गए इधर। बिल्कुल सही कह रहे, पूछिए रोहिंग्या तो बीजेपी कहती थी तो गलत क्यों लगता था? जब बीजेपी कहती थी तो गलत क्यों लगता था? उन्हें उनको एक-एक मन गाली क्यों देते थे आप लोग? मैं जवाब दे देता हूं अमित भाई, आपका बिल्कुल सही सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन ये सवाल मुझे नहीं, अजय भाई को आप पूछिए, अगर सेंटर में इनकी सरकार है तो कैसे आ रहे हो? दूसरी बात, इनको सुप्रीम कोर्ट में क्यों डिफेंड कर रहे हैं? इनको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कार्ड क्यों दे रहे हैं? यही तो बात है। okay. आज कांग्रेस ने क्या साबित किया? अमित भाई 10 सेकंड, आपने मुझे रोका था, सिर्फ 10 सेकंड से आपसे इजाजत मांगूंगा, और आज मैं अजय भाई से एक पर्सनल चीज कहनी है कि 10 सेकंड पहले मैं आपसे मांगूंगा। कांग्रेस की सरकार ने आज ये साबित कर दिया पूरे देश में कि कांग्रेस की सरकार मात्र सरकार सेक्युलर है। कोई भी अगर इलीगल स्ट्रक्चर हो, कांग्रेस उस पर कार्रवाई करने से हटेगी नहीं, भाजपा की तरफ पॉलिटिक्स नहीं करेगी। और अजय भाई आपको ट्विटर पे आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई व्यक्तिगत, आपके जो परिवार में परिजन में जो खुशखबरी है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन दिल से आपके लिए। अजय आलोक जी, देखिए सबसे पहली बात तहसीन, आपको शुक्रिया उसमें जो आप मुझे बधाई दे रहे हैं मेरी बेटी के लिए। थैंक यू। और ट्विटर पर खैर इस तरह से बहुत लोग होते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, अपनी खुशी जाहिर करना मेरा हक है। आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चर्चा ये, आपने कहा कि कैसे बन गए अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी, ये अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के समय से नहीं बने भाई। ये समस्या 2000, ये हिमाचल जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं उसकी ये समस्या चल रही है 1989 से, 2010 से तो केस चल रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल ने उसे अवैध डिक्लेयर किया था, मामला कोर्ट में गया, वक्फ बोर्ड कूद गया, अब वहाँ पे ये हुआ है नया। ये कांग्रेस की सरकार को ही पता चला है कि पिछले 25 वर्षों में वहाँ पे 190 जो लास्ट सेंसस किया गया था, 190 सैंक्शन लोग थे 2009 में, वो बढ़ के 2010 और 11 में ही 1900 हो गया। ये कैसे हुआ? और उनको कोई रेफ्यूजी कार्ड नहीं दिया गया है, उनके बकायदा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में नाम आ गए हैं,
डेमोग्राफी चेंज इसको कहते हैं जिसकी चिंता वहाँ पे जता रहे हैं मंत्री जी। और ये कैसे आ जाते हैं, जब सरकारें बसाती हैं ना, जब पश्चिम बंगाल में ममता दीदी बसाती हैं रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, तब ऐसे आ जाते हैं। जब केरला सरकार ने बसाया जाता है तब आते हैं, जब पंजाब में बसाया जाता है तब आते हैं, जब दिल्ली सरकार में केजरीवाल बस में भर भर के रेफ्यूजीज को बाहर से ला के उनको बसाती हैं अवैध झोपड़ियों में, तब आ जाते हैं अपने वोट के चक्कर में। लेकिन ये इनको एहसास कब होता है, जब इसकी आग आँच उन तक पहुँचती है। आज कहीं ना कहीं से कांग्रेसियों को उनकी आँच लग रही है हिमाचल में। आप भी जानते हैं हिमाचल की डेमोग्राफी कहाँ से कहाँ आई, 0% 100% मुस्लिम आबादी वाला स्टेट था। आप बताइए तो आज की तारीख में 2% ही मुसलमान, 1.5 लाख ही आबादी के मुसलमान कहाँ से आ गए वहाँ पे? जब 0% था 2001 तक में, तो कहाँ से आ गए 2 लाख मुसलमान बस के? कैसे आ गए? किसी ने छोड़ा तो नहीं होगा लाके, आके बस गए? कैसे बस गए? हिमाचल में तो बस लेकिन मेहरुद्दीन अगर केजरीवाल जी या किसी और सरकार, ममता जी उनको उनके सूबे में बसा रही है, वो बॉर्डर पार करते कैसे आ रही है? सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बीएसएफ तो मोदी जी और अमित शाह जी के नीचे और तो किसी के नीचे नहीं, बीच बीएसएफ का उन्होंने दायरा भी बढ़ा दिया है, तो फिर उनसे सवाल पूछे। दूसरी बात, अगर ये किसी और सूबे के लोग आ रहे भारतीय किसी और सूबे के, उस पर अगर वो कह रहे कि जांच होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, गलत क्या है? आप क्यों उसको सपोर्ट नहीं करते? आप क्यों उसके खिलाफ है? बोलिए ना, आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी फिक्स कीजिए, बॉर्डर पे कौन जिम्मेदार है? सुबुई खान एज अ पॉइंट टू मेक, सुबुई खान एज अ पॉइंट टू मेक, देन मेहरुद्दीन रंगरेज। ओके सुबुई खान। अमीश, सबसे पहले तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात तहसीन से कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं इनसे ऑफ कैमरा भी मिलती हूँ और मुझे काफी रैशनल लगते हैं, बट आज बहुत ही गैर जिम्मेदाराना दो बातें तहसीन ने कही हैं। तहसीन, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र सरकार की होती है कि चोर से कहिए चोरी करो और चौकीदार से कहिए चौकीदारी करो? ये कौन सा लॉजिक है? क्या जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स प्रदेश संभाल कर बैठे हैं, क्या उनकी अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं होती है? हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में प्रवास करते हैं तहसीन, किस तरह से बॉर्डर पास करवाए जाते हैं, किस तरह से फर्जी आधार कार्ड दिए जाते हैं, जैसे अजय जी ने कहा आप रेफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं। ये एक देश की बहुत बड़ी समस्या है कि शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर ही नहीं पता है हम लोगों को, और हम लोग चाहते भी नहीं है कि पता चले नागरिक कौन होता है, शरणार्थी कौन होता है, घुसपैठिया कौन होता है। क्लैरिटी नाम की चीज नहीं है। अपने वोट बैंक बनाने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। आज अनिरुद्ध सिंह की बात के ऊपर पूरे इंडिया अलायंस कुछ नहीं बोल पा रहा, वो तो कांग्रेस के मंत्री हैं। अमीश देखिए, ये रियलिटी चेक है, ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। वो कह रहे हैं रोज नए लोग आ रहे हैं, कभी जमात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 1900 कैसे हो गए? 190 रजिस्टर्ड लोग हैं, 1900 हो गए। Exactly. कितनी तेजी से बढ़े हैं लोग? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बनवा के नागरिक की तरह हमारे देश में रहने लगते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं देश में। कुछ विषय ऐसे हैं अमीश जिन्हें हमें अक्रॉस पार्टी लाइंस, मैं कहती हूँ कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए कि ये जो मुद्दे हैं, जातिवाद है, अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद है, लव जिहाद है, डेमोग्राफी इम्बैलेंस है, डेमोग्राफी चेंज है। आज उन्हीं के मंत्री ने बोला लव जिहाद एक मुद्दा है। अब मानना पड़ेगा ना अमीश, क्योंकि जब कुछ लोगों को दिखेगा वो बोलना शुरू करेंगे। हम लोग तो इतने दिनों से चिल्ला रहे थे तो हमें तो साइडलाइन कर दिया जाता था, हमें तो संघी और सरकारी मुसलमान, ना जाने किस किस तरह के टैग दे दिए जाते, जबकि हम किसी राजनीतिक दल का हिस्सा भी नहीं है। क्या जलवायु आपातकाल आज की समस्या नहीं अमीश? शिमला पूरा धंस रहा है, शिमला पूरा जमीन में समा रहा है, जहां पे ढाई, आपने मेंशन की बहुत अच्छी बात, आई एम सो प्राउड ऑफ न्यूज 18 कि जहां पे ढाई फ्लोर से ज्यादा अलाउड नहीं है वहां पे ये धर्म सत्ता वाले लोग चार चार फ्लोर किस तरह से बना लेते हैं? क्या किस तरह का शक्ति प्रदर्शन है ये? कौन इनको सपोर्ट करता है? किस तरह की सरकारें हैं जो अपनी नाक के नीचे ये अलाउ करती हैं होने के? फराज किदवई, फराज किदवई वांट्स टू रिस्पोंड, फराज किदवई, सुबुई खान की बात का जवाब। अमीश जी, अजय जी ने अभी क्या बोला कि 2001 में कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी हिमाचल में? अरे सर मुझे सबकी बात का जवाब देने दिए। अजय जी, कितनी पॉपुलेशन थी 2001 में हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों की, फिर से बता दिए आप न्यूज 18 के दर्शकों को, क्या बोला था आपने?
फिर से सुन लीजिए, पूरा डिटेल बताता हूँ। हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन 70 लाख है, मुसलमानों की पॉपुलेशन उसमें मात्र 1.5 लाख है। 2001 में आपने क्या बोला कि 0% हिमाचल जब से अस्तित्व में आया मुसलमान नहीं रहते थे हिमाचल में। 2001 में जान जाइए मुसलमान नहीं थे हिमाचल में। 1.5 लाख मुसलमानों को किसने बसाया? अरे सर 2001 में किसने बसाया? 2001 का डेटा उठाइएगा अजय जी। और हिमाचल की एक और बात बता दूं, हिमाचल स्टेट का परव्यू है मुस्लिम पॉप, हिमाचल में हम और आगे के जमीन नहीं खरीद सकते हैं, हिमाचल में जाके हम प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम हिमाचली नहीं है। बात ये नियम है वहां का, सुनिए, सुनने का जज्बा रखिए अजय जी, सही फैक्ट रखिए। न्यूज 18 एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और इसको करोड़ों लोग देखते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमित जी, कि अजय जी से पूछिएगा कि कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 क्या है? कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 क्या है, यह कब आया और क्यों आया और किसकी सरकार में आया? आप बात करते हैं ना एक मस्जिद की, मैसूर में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मंदिर गिरा दिया था, मंदिर का डिमोलिशन कर दिया था, उसके बाद वहां पर इतना रोष हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 लाई और उसमें क्या लिखा है? दिस साउथ इन ओवेसी का बड़ा हमला, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? हिमाचल में सरकार किसकी है? साउथ इन ओवेसी ने कहा है और कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम की तरह काम कर रहे हैं ओवेसी। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है कि हिमाचल में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? संघ के एजेंडे पर सरकार चल रही है। मेरे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज है, AIMIM के रंगरेज जी। कांग्रेस की सरकार है आपको पता नहीं है, बीजेपी की सरकार में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आपके नेता जी? देखिए मैं बताना चाह रहा था अमित जी कि ए और बी और सी टीम कौन है, कि ए टीम जो है वो सजाद पुणे वाला है और जो बी टीम है वो तहसीन पुणे वाला है और सी टीम समाजवादी है, डी टीम JDU है। इस तरीके की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जहां पर आप ये बताइए, जहां कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, वहां के एक मंत्री कहते हैं कि मस्जिद अवैध है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मस्जिद अवैध है? वो कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध है और उसको तोड़ देना चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो हमारे इस देश में चल रही है, जब अब तक जो है मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी कांग्रेस की तरफ से, तो ये मोहब्बत की दुकान है? ये मोहब्बत की दुकान कभी नहीं हो सकती। आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आप नफरत की राजनीति में आप भी जो कूद रहे हैं, आप भी तुष्टीकरण करना चाहते हैं हिंदुओं का, जैसे बीजेपी कर रही थी। बार बार फेक नैरेटिव फैलाए जाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, मुसलमान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अरे भाई मुसलमान तो 20 करोड़ है इस देश में, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे, कहीं ना कहीं तो उनका आशियाना होगा। तो ये सरकारें इनके पास जो है मुद्दे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं अमित जी। अब तो कांग्रेस के मंत्री ने बोला ना लव जिहाद हो रहा है, मस्जिद की बात हो, शमशान कब्रिस्तान की बात हो, 80-20 की बात हो, कपड़ों से पहचानने की बात हो, कभी मंदिर की बात हो, और ये बार बार ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद, UPSC जिहाद, हलाल मीट जिहाद, अरे भाई साहब जिहाद जैसी कोई बात इस देश में नहीं है। और ये जो बार बार फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है ITSL की तरफ से भाजपा की, कि जो है मुसलमान जो है क्या नाम ले, पर बीजेपी की सरकार थोड़ी हिमाचल के अंदर, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी, आप उनको वापस, हिमाचल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है मेहरुद्दीन रंगरेज। मैं कह रहा हूं उसको इस्तीफा, मैं कह रहा हूं कांग्रेस से इतनी बड़ी डिमांड कर रहा हूं, ये जो हिंदुत्ववादी के जो लोग, जो संघी लोग हैं, वो खुलेआम जो है कांग्रेस की सरकार में बैठे हैं और ऐसा बयान दे रहे हैं। मैं कहता हूं कांग्रेस को राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, सबसे पहले उसको okay, तहसीन पुणे वाला वांट टू रिस्पोंड, ओके, क्योंकि व्यक्ति को जो खुलेआम मुसलमानों और हिंदू की बात करता हो और वो सरकार में बैठा है, उसको तुरंत इस्तीफा दे, उसको पार्टी से बाहर निकलवाइए। ओके तहसीन पुणे वाला, मेहरुद्दीन को आपका जवाब। देखिए MIM के प्रवक्ता ने मेरे भाई का नाम दिया, जो भाजपा के प्रवक्ता है, वो इस शो में है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तब भी उन्होंने इस शो में उनको लाया, जो मैं समझता हूँ गलत है कि अजय भाई भाजपा को डिफेंड कर रहे, लेकिन बहरहाल शहजाद और मेरे में जो भी डिफरेंसेस है वो सामने है पब्लिक में। कम से कम हम ऐसे नहीं है कि हम हिंदू देवी देवताओं को गाली देते, कम से कम हम ऐसे नहीं कि हम कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिए, सुनिए मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए, गलत बयान दिया है, उसको तुरंत पार्टी से बाहर निकालिए या उसको मंत्री पद छीनिए, उसको बाहर निकाल के बैठिए, जो मुसलमानों की मुखालफत कर रहा है, मुसलमानों को नफरत
और हमारी मस्जिद मंदिर की बात कर रहा है, आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे? क्या आपकी यही मोहब्बत की दुकान है? ऐसे मोहब्बत की दुकान चलेगी देश में? कम से कम बड़े हुए से और छोटे आप कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, आप है असली बीजेपी की बी टीम। एक एक करके मेहरुद्दीन रंगरेज, एक एक करके पहले तहसीन मुसलमानों का तुष्टिकरण कौन कर रहा है? मेहरुद्दीन जी मुसलमानों को पहले जो है बीजेपी जो है रोजाना जो है मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती थी, अब कांग्रेस के नेता भी करने लगे। क्या सब लोग 80 की बात करेंगे, 20 की बात कौन करेगा भाई? क्या 20 करोड़ इस देश में नहीं रहते मुसलमान? जब वो तुम्हें भर भर के वोट दे रहे हैं और आप जीत रहे हैं उनकी बुनियाद पे, तो आप उनके मुद्दों को क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, आप नहीं उठा सकते, आपके अंदर ये क्षमता नहीं है, तो आप मुसलमानों से कह दीजिए हम आपके मुद्दे नहीं उठाएंगे। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ, तहसीन पूरा वाला जवाब देखिए। व्यक्तिगत वही लोग होते जिनके पास कोई तर्क नहीं होता और कोई और बात होती नहीं बोलने के लिए। सवाल ये है कि कम से कम बड़े ओवैसी और छोटे ओवैसी की तरह नहीं कि एक यहाँ आते अंग्रेजी में बात करे और वो वहां जाकर उर्दू के अंदर देवी देवताओं का अपमान करे, उनको गाली दे। कम से कम ये तो हाइपोक्रेसी शहजादों मेरे अंदर नहीं है, जो है हम सामने है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर वहां की सरकार ने कोई बात रखी है, सरकार झूठ नहीं बोल सकती है। सवाल है कि बॉर्डर से लोग क्या है? आप इसलिए कांग्रेस को ये टारगेट कर रही है एमआईएम, क्योंकि एमआईएम बीजेपी की मदद करना चाहती है पोलराइजेशन करते। पोलराइजेशन में किसका फायदा होता? भाजपा का होता, एमआईएम का होता, और किसका फायदा होता? कांग्रेस तो ठीक कह रही है, कांग्रेस कह रही कुछ अवैध स्ट्रक्चर है, भले मस्जिद हो, मंदिर हो, घर। आप बड़ा कन्वीनियंटली कुछ सवालों को अवॉइड करें, कांग्रेस ने तो लव जिहाद का नाम नहीं लिया। लव जिहाद का नाम लिया ना, जो आप कहते हैं लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं है, कांग्रेस के मंत्री ने बोला लव जिहाद, अब बताइए क्या करेंगे? और उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, लव जिहाद पर ध्यान देने की जरूरत है, जो देश और प्रदेश के लिए दोनों के लिए खतरनाक है, अब बताइए। बिल्कुल, और उसके लिए वर्तमान सरकार उसके लिए कुछ कानून लाए, वो तो लाने को तैयार नहीं है। लेकिन आज 10 साल में कोई डेटा दे पाई सरकार ने? नहीं, इंटरेस्टिंग ये है कि डेटा दे पाए आप, अमित भाई बताए कोई डेटा दे पाए? ओके, मैं मेहरुद्दीन रंगरेज का रुख करूंगा, फराज किद भाई, आप है ABCD टीम बीजेपी की, जो मुसलमानों से भर भर के तो वोट लेते हैं लेकिन उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, ये लड़ाई अखिलियतों के वोटों की है, ये खेल पूरा वो है। अमीर जी देखिए, AIMIM के प्रवक्ता ने ये साबित कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी नहीं ए प्लस टीम है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश में भाइयों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाती है, ये आपके शो पर तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला को, दो भाइयों को लड़ा रहे हैं। ये विचारधारा है, ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की और इनकी है कि ये देश में भी लड़ाएंगे, ये टीवी चैनल पर भी लड़ाएंगे, और जहां देखेंगे कि दो भाई हैं दो भाइयों को भी लड़ाएंगे। तो अमीश जी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, हमने हराया भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और अगर 2022 में असदुद्दीन साहब के कैंडिडेट्स करीब करीब 60 सीटें हम हार गए, 400-500 सीटों के वोट डिफरेंस से, जहां पर इन्होंने 5,000 वोट लिए, पहली बात। और दूसरी बात अमीश जी, आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि एक बात पूरी कर लेने दीजिएगा। मैं अभी कर्नाटका का जिक्र कर रहा था, कर्नाटका में एक कर्नाटका रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसने कहा कि जितने भी इलीगल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चेज हैं उन सबको गिराया नहीं जाएगा और उन सबको लीगल किया जाएगा। क्यों ऐसा कहा? ठीक है, जवाब देंगे, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज पर आपने एमआईएम पे बड़ा अटैक किया है, बड़ा पॉलिटिकल अटैक है। लेट हिम रिप्लाई, मिस्टर मेहरुद्दीन, योर टेक। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप बी टीम नहीं है तो बुलडोजर का जो कार्रवाई हो रही थी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, आप अदालत क्यों नहीं गए? आप मुसलमानों की वोट भर भर के ले रहे हैं, आपने क्या स्टैंड लिया मुसलमानों के लिए? जमीयत को जाना पड़ा। अगर हम अपने मुद्दों के लिए फिर हम ही लड़ेंगे तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं बनता हमारी वोट बैंक के लिए। आपने कितने आप हमारे किए? अरे सर, पीडीएम आपने जो पीडीए बनाया था उसका ये मतलब था? अरे सर, आप ये बताइए, आप इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे आप? कैसे आप दोनों ने रंगरेज पर अटैक किया है, मेरे बीच में बोल रहे सर, ऐसे तो बात नहीं। एक ही लाइन पूछा, आप फिर सपा के पास चलिए, हमारी वोट बैंक मतलब ओवैसी साहब ऊपर से लिखा कर लाए थे क्या? क्या हमारी वोट बैंक मुसलमान के इनके बंदे हुए? ये क्या बात कर रहे हैं नेशनल? ओके, मेहरुद्दीन रिप्लाई, मेहरुद्दीन रिप्लाई, क्या बात है ये? देखिए अमित जी,
अच्छा अमित जी मैं कह रहा हूँ, लेकिन तहसीलपुरा वाला आपको मेहरुद्दीन रंगनेस पे गुस्सा आ रहा है, ओवैसी पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन यही मायावती मुस्लिम दलित कहती है, यही समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव कहती है, तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या? उनको पार्टी से बाहर, यही कमलनाथ ने बोला कि मुसलमान तो एक तरफ वोट डालेगा, मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर आपको गुस्सा नहीं आया? खामोश हो जाते हैं जी, पीडीए कह रहे हो, कह रहे एमवाई में अमित जी मेरी बात हो रही है, एक सेकंड, ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ओके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इस हां तो एमवाई मुस्लिम यादव बांटने वाले मुस्लिम दलित कमलनाथ ने डायरेक्ट मुसलमानों की बात करी थी, ओके इन्होंने कितने हिंदुओं को लेट मेहरुद्दीन रिप्लाई, आप दोनों ने बोला, मेहरुद्दीन ने नहीं बोला, गिव हिम उन पर बड़ा अटैक करा आपने, 40 सेकंड मेहरुद्दीन। राकेश अमित जी मैं एक बात कह रहा था, अभी तक तहसीन पुणे वाले भाई ने ये नहीं कहा कि हमारे मंत्री ने गलत बयान दिया, कांग्रेस की तरफ से ही पक्ष रखते हैं, हम उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे, वो खुलेआम बात कर रहे हैं मस्जिद की, तो वो भी चाहते हैं इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति करना, वो भी 80-20 की बात करना चाहते हैं, तो 20 करोड़ की आवाज़ जो अगर आज इस हिंदुस्तान में है तो वो बैलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सभी मुसलमान भाइयों से कि सबको मुत्तहिद होकर, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी हो गई, सब जितनी बीएसपी हो गई, इनको वोट देना बंद करें, अपनी पार्टी में आए, अपनी क़यादत वाली पार्टी में आकर अपने लोगों को जिताएं, नहीं तो ये धीरे 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 तुष्टिकरण में मुसलमानों का, जितना भी मुसलमान हमारे नेता उनको दरकिनार किया जा रहा है, एक दाढ़ी टोपी वाला रख लेता है तो उसको टारगेट करना शुरू कर देता है, जाति कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट। अमीश जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मुसलमानों की जो मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसकी ठेकेदारी असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर लेते हैं तो मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है उस असेंबली में जो 32-33 मुसलमान है वो क्या AIMIM के हैं? अरे हमने 32-33 MLA हमारे आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की असेंबली में है, और अगर आप वोट काटते ना, अगर आप वोट कटवा ना होते तो आज आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी होते, ये आपकी मेहरबानी है। अजय आलोक जी धन्यवाद दीजिए इनको, ओके अजय आलोक, अजय आलोक आपके पास, अजय आलोक मेहरबानी है ओवैसी साहब चुनाव लड़े, नहीं तो अखिलेश यादव सीएम होते, ऐलान कर दिया अभी फैराज किदवई ने, मुसलमान वोट ना बटे, आश्चर्य लग रहा है, मुसलमान वोट ना बटे बाकी सब वोट बट जाए। अमित भाई सुनिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, अभी हमारे फराज भाई ने बहुत बड़ी बात कही है, उन्होंने एक मेहरुद्दीन जी पे आरोप लगाया कि आप ना लड़े होते और मुसलमानों के वोट आपने ना लिए होते तो हमारी 50-60 सीटें बढ़ जाती मुसलमान वोट के कारण, और मुख्यमंत्री बनते अखिलेश यादव, मतलब वोट लो मुसलमान का मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, अरे कम से कम वो तो ईमानदार है, कहता है कि मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा, आप तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी अखिलेश को और तेजस्वी के ऊपर तो जा भी नहीं सकते, हमारे नेता हैं, अरे एक मिनट आप तो ऊपर जा भी नहीं सकते, लोग वोट होंगे मुसलमानों का, ये तो आपने अपना चरित्र का वर्णन खुद कर दिया, और ये बात ठीक ही कहते हो वैसे, अब एक बात एक दूसरी बात, बीच में बोलने से क्या कुछ साबित हो जाएगा, क्या बीच में बोलने से कुछ साबित नहीं होगा, सुनिए ये पूरी लड़ाई अमेरिकी हो रही है डैमेज कंट्रोल की, चाहे तहसीन भाई कर रहे हो, चाहे फराज जी कर रहे हो, ये पूरी लड़ाई है डैमेज कंट्रोल करने की, डैमेज कंट्रोल क्या कि कांग्रेस के मंत्री ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा के पटल पे मस्जिद को अवैध कहा, उसे ढहाने की बात कही, लव जिहाद की बात कही, डेमोग्राफी चेंज होने की बात कही, इन सब पे कार्रवाई करने की बात कही, जिससे देश और समाज को और प्रदेश को खतरा है, इसका असर कहां जाएगा? इसका असर अभी तत्कालीन में होगा, इसका असर जम्मू कश्मीर में, इसका असर होगा हरियाणा में, इसका असर होगा दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, इसका असर होगा, और ये डैमेज कंट्रोल, ये डर है, ये मुसलमान वोटर का छिटकने का डर है, देश का डर नहीं है इन लोग को, अभी सिर्फ हिमाचल के कांग्रेसियों को याद और आँच महसूस हुई है, वो दिन दूर नहीं है अगर इनकी ऐसी हरकतें रहीं तुष्टिकरण वाली, तहसीन भाई मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, अगर ऐसी हरकत कांग्रेस करती रही तो हर कोई ये आँच फील करेगा, क्योंकि आग लगती है ना सबको खा जाती है, रेडिकल्स किसी के नहीं होते हैं, हिंदू मुसलमान को सिर्फ वोट के चश्मे से मत देखिए, ये सब कुछ अगर बीजेपी ने बोला होता तो बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी होती,
बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी लफ्ज जिहाद का झूठ दिखा रही है, बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा रही है, यही कहा जाता। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने ये बात बोली है, वहां पर कांग्रेस का शासन है, वहां पर सामान्य नागरिक शिमला के अंदर सड़कों पर है और उस मस्जिद के सामने भजन कीर्तन हो रहा है, वो दृश्य मैं दिखा रहा हूं, अब बताइए। और आपका मंत्री, एक नहीं दो दो मंत्री कह रहे हैं कि हां वहां पर गड़बड़ है, हां वहां पर लव जिहाद है, हां वहां पर डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है, रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, वह हिंदू लड़के को मारा गया, पीटा गया और फिर मस्जिद में लड़के चले गए। ये मंत्री ने विधानसभा में बोला, भरी विधानसभा में ये कुछ बोला है। सच सच कड़वा होता है, ये सुना था, लेकिन सच क्या शर्मिंदा कर देता है पॉलिटिकल पार्टीज को हाँ बोलने के लिए भी। मिशी, दो चीज मैं दोबारा से उस बात पे जाता हूँ, अगर रोहिंग्या भारत के अंदर आ रहे अवैध तरीके से आ रहे तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कैसे कोई सुक्कू जी या अखिलेश जी या कोई और कैसे जिम्मेदार हो सकते केरला के मुख्यमंत्री, इसके लिए तो केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। दूसरी चीज मैं अजय भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या अजय भाई ने बिल्कुल सही कहा कि फंडामेंटलिस्ट काम साथ नहीं ले सकते, तो क्या अजय जी और भाजपा मानते हैं कि ओवैसी जी फंडामेंटलिस्ट है? और अगर वो मानते हैं, क्योंकि जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया हमारे देवी देवताओं के लिए, और मानते तो आज शो में अजय जी एमआईएम का बचाव क्यों कर रहे हैं? देखिए दो चीज है, आप देखिए सपा और मैं रैशनल बात कर रहे हैं, अजय लोग एमआईएम का बचाव कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन 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 तहसीन यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, यू आर अ स्मार्ट स्पोक्स पर्सन, बट माय हंबल सबमिशन, माय फ्रेंड तहसीन पूनावाला, यू आर अ वेरी गुड स्पोक्स पर्सन, यू आर अ वेरी ब्राइट स्पोक्स पर्सन, और आप बड़े लोकप्रिय वक्ता है, लेकिन इतने भी ओवर स्मार्ट मत होइए कि मेरे प्रश्न का भी जवाब नहीं दे रहे आप चर्चा के अंदर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, मैं कम से कम 9वीं बार ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि लव जिहाद का मामला कांग्रेस के मंत्री ने उठाया है, इसका मतलब ये रियलिटी है। डेमोग्राफिक मामला कांग्रेस के मंत्री ने उठाया है, इसका मतलब ये रियलिटी है। मेरा सवाल ये है, ठीक है, तो कांग्रेस के मंत्री ये भी कह रहे कि हिमाचल का 13,000 करोड़ मोदी जी नहीं दे रहे, वो भी रियलिटी मानो, मैं मानता हूं आपकी ये रियलिटी, आप वो भी रियलिटी मानोगे, वहां पर मतलब, मतलब फाइनेंशियली लुटा दो आप और बचाए मोदी, सिर्फ एक ही चीज सिलेक्टिवली, नहीं 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 आप सिर्फ सिलेक्टिवली एक ही चीज, कैसे सिलेक्टिव हो गया आप कांग्रेस कैसे सिलेक्टिव हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर आप बोलो बुजुर्गों को पेंशन देंगे और फिर उनके बच्चों को सैलरी नहीं दे पा रहे, बुजुर्गों को पेंशन तो छोड़ो, मैं ओल्ड पेंशन में नहीं, 6 रुपए पेट्रोल डीजल और बढ़ा दिया, महंगाई के मामले के ऊपर हिमाचल के क्या हाल है बता दीजिए सबको, मैं उसमें नहीं जाना चाहता था, क्योंकि आपने बोला मैं देखिए महंगाई के मामले में क्या हाल है, कितने बढ़ गए अमीश भाई आप ही महंगाई बीच में लेकर आए, करिए ना महंगाई पर चर्चा, कांग्रेस तहसीन भाई तहसीन पूरा वाला कांग्रेस के नेता अक्सर ये कहते हैं कि चर्चा मंदिर मस्जिद पे होती है, व्यूअर्स आज आपसे बात करता हूं, कांग्रेस के नेता अक्सर मुझे बोलने की चर्चा मंदिर और मस्जिद पे होती है, हिंदू मुसलमान मीडिया बहुत कर रहा है जी, ये मीडिया वाले हिंदू मुसलमान को बहुत करते हैं ना ये बात, इस वीडियो को ठोक के शेयर करिएगा, क्योंकि क्या मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात कांग्रेस कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा, अर्थव्यवस्था को हम कहां लेके जाएंगे, हिमाचल की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे थे बुजुर्गों को, युवाओं को सैलरी नहीं दे पा रही हिमाचल की सरकार, स्थिति यह है, पेट्रोल के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए, कर्नाटक में दूध के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई वहां पे भी चरम पे है, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये जो फ्रीबीज है कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, ये कुछ लेके जाता है, और एग्जैक्टली हिमाचल में यही हो रहा है। कांग्रेस के एक और मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, असउद्दीन ओवैसी को जवाब दिया है कि मैं गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मस्जिद विवाद पर बयान दिया है, मुझे हिंदू समाज का होने पर गर्व है, विक्रमादित्य सिंह पहुंचे थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी, ये बड़ी खबर है, ओवैसी पर विक्रमादित्य सिंह बोले हैं, ये बड़ी खबर है इस समय की, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन हिमाचल की इकोनॉमी की हालत खराब है, हिमाचल में लव जिहाद का मामला है, ये हिमाचल के मंत्री खुद कह रहे हैं, तो अजय लोग क्या मदद करेंगे आप हिमाचल में कांग्रेस की सरकार की, केंद्र में आप हैं अमीश, ओ एक गड़बड़ हो गई है, क्या हो गई, कबाब बहुत शौक से लोग खाते हैं, कबाब लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन कबाब में कभी कभी गलती से, खानसामे की गलती से कभी कभी छोटा हड्डी का टुकड़ा फंस जाता है ना, तो वो गर्दन में जाके फंस जाता है, पूरा निगलते बनता है ना उगलते बनता है, तो राहुल भाईजान के गले में ये कबाब की हड्डी फंस गई है, जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह, अगर निगलेंगे अनिरुद्ध को तो देश भर के हिंदुओं को एक मैसेज जाएगा,
और घोट लेंगे उस हड्डी को जिसका नाम अनिरुद्ध है, तो देश भर के मुसलमानों में एक मैसेज जाएगा। तो कबाब की हड्डी ये बहुत गड़बड़ करने वाली है, डैमेज कंट्रोल में। देखिए हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब है, वो सैलरी नहीं दे पा रहे उधर, तो क्या मदद करेगी अर्थव्यवस्था? तो छोड़ दीजिए, वो कांग्रेस जहां जाती है वहां अर्थ उनका अपना अर्थ हो जाता है और व्यवस्था चौपट हो जाती है। कांग्रेस जहां सत्ता में जाएगी, हिमाचल को लड़की ने बर्बाद कर ही दिया अच्छे तरीके से, अब राहुल बाबू चले दूसरे राज्यों की तरफ। लेकिन अभी पहले इस कबाब की हड्डी का निपटारा करें, फराज किदवई सोचने लगेंगे कि भाई इस पे स्टैंड नहीं लिया तो मुसलमानों का क्या होगा। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, 30 सेकंड, तहसीन पूनावाला 30 सेकंड्स, देन सुबुई, ओके, तहसीन पूनावाला। ये कबाब की हड्डी नहीं है अजय जी, ये भाजपा के लिए इनके गले में रस्सी है, रस्सी का फंदा है, क्योंकि ये जानते कि एक्चुअल सेक्युलर स्टैंड कांग्रेस कर रही है, कोई पॉलिटिक्स कर नहीं रही, सपा भी उनके साथ है, और इनका जो पोलराइजेशन का एजेंडा है। कल को एक मिनट, मैं 10 सेकंड, अच्छा बोलिए, आप बोलिए। मान लीजिए परसों हिंदू संगठनों ने धमकी दी है सरकार को कि परसों तक सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो वो कुछ भी करेंगे, अगर मस्जिद को किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा तो आप तैयार हैं उसके लिए या एक्शन लेंगे? ये भी सुखू सरकार कुछ नहीं कह रही है कि मामला कोर्ट में, किसी मामले में डबल नीति नहीं होनी चाहिए, या तो आप हैं या तो आप नहीं हैं। देखिए तहसीन, चाहे हिमाचल की चौपड़ी अर्थव्यवस्था हो, चाहे हिमाचल का मस्जिद वाला मामला हो, दोनों तरफ से आप फंस गए हैं, ये दो धारी तलवार है। कोई फंसा नहीं, कोई फंसे नहीं। आपको लगता है अमित जी, मतलब भाजपा को लगता, मुझे नहीं लगता, दिख रहे हैं फंसे हुए, नहीं बिल्कुल मुझे नहीं लगता, आपके मंत्री बयान दे रहे हैं, फंसे हुए दिख रहे हैं आप बिल्कुल, वो तो सेक्युलर बयान दे रहे, वो तो कह रहे हैं जो सच है वो सच कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कौन सा इकोनॉमिस्ट बयान है ये? अर्थव्यवस्था का तो डब्बा गोल कर दिया है हिमाचल के अंदर, उसका क्या, उसमें क्या इकोनॉमिस्ट बयान है? हमीश भाई मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूँ, बोलने दीजिए। दो अलग अलग विषय है, पहले इकोनॉमी पे बोल देते फिर हम आ जाते। ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम 2003 के पहले लागू होने वाली थी, जो भी जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी हो तो 10 साल के बाद मिलनी, उसका 1,000 करोड़ का प्रावधान हो गया, 13,000 करोड़ केंद्र की सरकार से आने वाले, वो 13,000 करोड़ आज तक नहीं दी, यहाँ का सवाल है, वो दे दे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हिमाचल को केरला की तरह जबरदस्ती है सरकार गिराने के लिए पैसे नहीं दे रही केंद्र सरकार, 2022 से पैसे नहीं दी। अब हम आते इस मामले, क्योंकि डिबेट इस मामले पर चल रहा है, जब से मामला शुरू हुआ कम से हर बार अल्टरनेट सरकार बनती है हिमाचल में, ये तो आप भी जानते हैं अमित जी, भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने क्यों उसको रिजॉल्व नहीं किया? ठीक है, क्या वो भी मुसलमान के पक्ष में जी, थे? जी, 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 क्या वो भी सुबुई, सुबुई खान, सुबुई खान, सुबुई खान, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसके पहले भाजपा की सरकार। ओके ओके, टाइम टाइम, अमीश मेरे लिए किसी भी राजनीतिक दल या मंदिर मस्जिद से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा देश और मेरे देश की प्रकृति। मैं आज ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि जिस शिमला की बात हम कर रहे हैं वो हिमालयन रेंज में आता है, वो हिमालयन रेंज जो कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को कवर करती है। हमें समझना पड़ेगा कि वो कच्चा पहाड़ है, लेकिन जब हम अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, जैसे 1966 में कांग्रेस ने पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को अलग स्टेट बना दिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खेलने के लिए, ये लोग माइंडलेसली हमारे स्टेट्स बनाते हैं, ये नहीं सोचते रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा। वो पहाड़ पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टूरिज्म को प्रमोट करके 5-5 बहुमंजिला इमारतें बनाते हैं जो पहाड़ झेल नहीं पाता है। हिमालयन क्राइसिस इज अ नेशनल इमरजेंसी, हमें समझना पड़ेगा। हिमालय धंस रहा है और सोचिए कैसे कैसे डैम्स बना रखे हैं, अगर वो हिमालय धंसता है पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को बहाकर ले जाने की कैपेसिटी है उसके अंदर। वी हैव टू रियलाइज कि वी आर प्लेइंग विद फायर। ये राजनीति तो हम करते रहेंगे, अपने निजी हित साधने के लिए आप देश की प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी राजसत्ता से ज्यादा ताकतवर होती है। वी शुड रियलाइज एंड वी हैव टू रियलाइज। ओके ओके ओके, फराज किदवई, फराज किदवई। अमीश जी, कबाब में जो हड्डी फंसती है गले में, तो उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी फंसे हुए हैं, संजय निषाद जी ने फंसा दिया है, अनुप्रिया पटेल जी ने फंसा दिया है, ओपी राजभर जी ने फंसा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी के वो 100 से ऊपर विधायकों ने फंसा दिया है जो सदन के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना दिए हुए थे। दूसरी बात, अभी 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 अजय भाई ने बोला कि वोट मुसलमान देगा और मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। अरे यही भारतीय की संस्कृति है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। विष्णु पुराण में कहा गया है ना कि उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम। विष्णु पुराण में कहा गया है कि अखिलेश यादव को यही बनाना चाहिए।
विष्णु पुराण में जो मैंने श्लोक बताया उसका अगर मुख्यमंत्री का जिक्र है, आपके पास टाइम हो तो मैं समझा दूं, वरना आप बाद में समझ लीजिएगा। ये आईडिया ऑफ इंडिया है, ये जिक्र है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान सीएम का बनने का जिक्र है क्या विष्णु पुराण में? अमीश जी ये जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान वोट दे तो मुसलमान ही मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विकृत सोच है। और कृपया करके आप मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाइए या शिवपाल जी को बनाइए या किसी को बनाइए, वो आपकी पार्टी का प्रोगेटिव है, लेकिन विष्णु पुराण को बीच में मत लेके आइए, धार्मिक ग्रंथ है। ओके अजय आलोक जी, नहीं नहीं विष्णु पुराण में इतना अच्छा श्लोक है भाई, आइडिया ऑफ इंडिया है, बढ़िया है, लेकिन उस श्लोक में कहीं नहीं लिखा कि मुख्यमंत्री फलाना ढिमकाना होना चाहिए। ओके मुख्यमंत्री आलोक इंडिया है वो अमित लब्बोलोहा यही है कि अमीश लब्बो लोहा यही है, आज नहीं बहुत पिछले 30 साल से भारत का जो इस्लामिकरण करने की निरंतर कोशिश की जा रही है रेडिकल एलिमेंट्स के द्वारा, उन पे चेक और बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। हम सबको एक नजरिए से देखते हैं, खुशी की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार भी कर रही है। अब कांग्रेस इसको माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस की सरकार के मंत्री जी ही ये बात बोल रहे हैं, ये बात कोई और नहीं बोल रहा। अब बाकी वो जाने।